बिल्कुल तो स्विंग मशीन गुरु बेल्ट। अक्सर हमारी मशीन बंद होती है तब ये प्रॉब्लम जरूर आती है, बेल्ट टूट जाता है। तो आपने मेरे जो पहले का वीडियो था बेल्ट वाला, उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन उसके साथ कमेंट भी मुझे बहुत सारे आ रहे थे कि सर हमने बेल्ट तो डाल दिया लेकिन मशीन जाम हो गई। तो उसका कारण ये होता है, जो हमारी पुराना बेल्ट होता है वो कंपनी का दिया हुआ होता है, वो थोड़े से 2-3 आंकड़ी बड़ा होता है, यानी जो आप ये कड़ी देख रहे हो ना इसमें 72 कड़ी होती है, और जो नॉर्मली मार्केट में मिलता है 68 कड़ी का मिलता है, ये ध्यान रखिए, यानी कि 4-5 कड़ी का फर्क पड़ जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि इतना अगर छोटा है, आपने अगर देखा होगा तो ये बेल्ट है ना, जब आप डालोगे तो बहुत ज़्यादा टाइट लगेगी आपको मशीन। तो अभी यही प्रॉब्लम है, ये देखिए बहुत ज़्यादा मशीन टाइट है। तो इसे आज हमें मशीन, ये ध्यान रखें, अगर मशीन टाइट है तो शटल ना लगाए, शटल टाइमिंग बिल्कुल ना बांधे, पहले इसे सॉल्व करें। हमने पूरा मशीन पहला वाला आप वीडियो देख लेना, अगर बेल्ट आपको डालना है तो ये बेल्ट डालने का वीडियो नहीं है, ये आप ध्यान रखें, ये बेल्ट डालने वाला वीडियो नहीं है, ये बेल्ट को लूज कैसे किया जाए उसके बारे में है, यानी कि बेल्ट डालने के बाद जो मशीन जाम हो जाती है उसी के बारे में ये वीडियो है। तो आप ध्यान रखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा अगर आपको बेल्ट डालना है। तो अब इसे हमें फ्री कैसे करना है, इसे ऑयल तो डाल नहीं सकते क्योंकि ऑयल पहले ही बेल्ट में नहीं डाला जाता है, अगर आप ऑयल डालोगे तो ये लूज तो हो जाएगी लेकिन टूट भी जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें, अपनी मेहनत पे पानी ना फेरे, क्योंकि बेल्ट डालना मतलब 350 या 400 रुपये का खर्चा आप घर बैठे ही बचा सकते हो। घर पे ये 350-400 रुपये आपने अगर बचा लिया है तो अगर मशीन जाम हो गई, आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप शॉप वाले के पास जाओगे, उसे कहोगे भाई ये बेल्ट मैंने डाला है लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है, वो बोलेगा आपने गलत डाला है, तो वो वापस वही चार्ज आपसे लगाएगा, यानी आपकी मेहनत गई पानी में। तो कोई भी आप देख सकते हो, ये पेपर है, ये बढ़िया आसानी से हमारे घर में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, ठीक है। इसे क्या करना है, इसे थोड़ा सा काटे, इसे फोल्ड करें, ये हम लेने कर लिया फोल्ड, ठीक है। आप कपड़ा भी डाल सकते हो लेकिन कपड़ा ना डालें, ठीक है इसका। और इसे जो आप ये नीचे वाला गियर है आप देख सकते हो, इसके बीच में हमारे ऐसे रख देना और एक हाथ पकड़ के ये गियर को घुमा देना, और देखिए आप बिल्कुल ये देख सकते हो, बिल्कुल हमें घुमाना है, ये घुमा, ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ रख देते और मशीन को ऐसा रखते, ऐसा ना करें, इसे एक बार सीधा घुमाए, एक बार उल्टा घुमाए, एक बार सीधा घुमाए, एक बार उल्टा घुमाए, ठीक है। तो आप देखोगे कि बहुत, ये देखिए मुझे बहुत फर्क पड़ा है, अगर मुझे और फर्क चाहिए उसके बाद हमें इसे टर्न कर देना है ऐसे दूसरी साइड। इसका फायदा ये है कि देख सकते हो, अगर आप कपड़े रखोगे तो कपड़ा यहाँ अटक सकता है, लेकिन इसमें ऐसे थोड़े छोटे छोटे होल गिर जाते तो ये गियर अपने आप एडजस्ट कर लेता है, सिर्फ ये धागे थोड़े थोड़े लूज होने शुरू हो जाते हैं। तो इसे वापस हमने डाला, वन टर्न आगे, एक टर्न पीछे, आगे ये यहां तक आने दे, फिर वापस हमें पीछे कर देना, ये वापस आगे, ये पीछे, 2 या 3 बार, ठीक है। मशीन आप देखोगे कि बहुत ज्यादा प्रयोग, ये देख सकते हो आप। तो बेल्ट डालना आप सीख गए हो, ये बेल्ट की बाद वाली प्रोसेस है, सटल टाइमिंग वाइमिंग तो सब मैंने अपने वीडियो पे डाला हुआ है, आप मेरे चैनल पे विजिट मार के एक बार देख सकते हो। तो ये मशीन जाम होने के बारे में था, और ये बेल्ट बहुत बार हमें मार्केट में छोटा ही मिलता है, इस कारण हमें ये तकलीफ जरूर आती है। बस 1, 2, 1, 2, 1, 2, बस हो गया, 100% आपकी मशीन फ्री हो जाएगी, 110% आपकी मशीन एकदम फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो फिर शटल की टाइमिंग लीजिए और अपना काम चालू कीजिए। अगर आपको बेल्ट चाहिए तो आप हमारे स्विंग मशीन गुरु की ऐप से मंगा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे डाउनलोड करें, और अगर हो सके तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाल दूंगा, मैं आप कुरियर के द्वारा आपको ये बेल्ट जरूर भेज दूंगा, जो आपको ज़्यादा टाइट ना पड़े, ऑटोमेटिकली डालने के बाद आपको लूज करना ही ना पड़े। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो हमारी ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए। अगर आपको कोई भी मशीन का सामान चाहिए, स्पेयर पार्ट चाहिए,
तो मुझे आप डायरेक्टली कॉल करिए, मैं आपके शहर में अवेलेबल करवा दूंगा कुरियर के द्वारा। चलिए, थैंक यू।